दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के बड़े अपडेट्स, आईपीएल का ऑक्शन का तारीख घोषित, ऑक्शन पर्स बैलेंस पर बड़ी खबर, भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत, जडेजा हुए गुजरात में ट्रेड, मिनी आईपीएल को दो बड़े झटके, आईपीएल में हुए पांच बड़े ट्रेड और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया जुड़े आपको बताने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों के लिए वीडियोस रोज लाते हैं हमारे आईपीएल अपडेट्स जिसका 552वां वीडियो है। और यदि हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 के ऑक्शन यानी कि नीलामी की तारीख को लेकर। आपको बता दें कि आईपीएल 2023 का ऑक्शन का तारीख हमें लगभग पता चल चुका है, जहां पर आपको बता दें कुछ क्रिकेट के सोर्सेज जैसे कि क्रिक बज ने रिपोर्ट बताया है कि बीसीसीआई प्लान कर रहे हैं आईपीएल 2023 के ऑक्शन को दिसंबर के मध्य में करवाने का। और यदि एक परफेक्ट डेट की मानी जाए तो आईपीएल 2023 का ऑक्शन 16 दिसंबर को करवाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस साल हमें मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा जो एक दिन तक चलेगा और ज्यादा नहीं 200-250 खिलाड़ी ऑक्शन का हिस्सा बनेंगे, जबकि हमने पिछले साल देखा था कि मेगा ऑक्शन हुआ था और उसमें 500-600 खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो आईपीएल के ऑक्शन को लेकर एक बड़ी जानकारी हमारे सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि यह जो ऑक्शन होने वाला है वह बैंगलोर में करवाया जा सकता है या तो फिर कोलकाता में होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी आपको हम लगातार देते रहेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। चलिए देखते हैं दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2023 के ऑक्शन के पर्स बैलेंस को लेकर। असल में कल आईपीएल को लेकर बहुत सारी जानकारी डिस्क्लोज की गई और जिसे हम आपको धीरे धीरे और डिटेल में बता रहे हैं। और इसके पहले हमने आपको बताया ऑक्शन की तारीख के बारे में और अब आपको बता दें कि आईपीएल 2023 की नीलामी में पर्स बैलेंस में हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहां पर पिछले साल सभी आईपीएल की टीमों को 90 करोड़ रुपए का पर्स बैलेंस मिला था और जिसमें 22 से 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड बिल्ड करना था, और इस बार पर्स बैलेंस को बढ़ाकर 95 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है और इस बढ़ोतरी के पीछे वजह है आईपीएल के मीडिया राइट का इतने महंगे में बिकना। हालांकि उम्मीद तो लगाया जा रहा था कि 10 करोड़ रुपए बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अभी के सूत्रों के मुताबिक 5 करोड़ ही बढ़े हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल 2024 में पर्स बैलेंस को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिए जाएंगे। और किस टीम का फिलहाल में कितना पर्स बैलेंस बचा हुआ है पिछले साल से, आपको सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है कल खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले को लेकर। जहां पर कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया और उस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 6 विकेट से जीत हासिल कर ली और सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। आपको बता दें कि नागपुर में यह मुकाबला हो रहा था और पूरे दिन भर बारिश नहीं भी हुआ था, फिर भी मैदान गीला था जिसे सुखाने में काफी टाइम लग गया और मुकाबला 7 बजे छोड़कर 9 बजे शुरू हुआ और 8-8 ओवर का ही मुकाबला हो पाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 90 रन बनाए 5 विकेट खोकर, तो वहीं पर भारतीय टीम ने 4 बॉल बचते हुए इस लक्ष्य को पा लिया, जिसमें सबसे शानदार बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने और मैन ऑफ द मैच भी बने। और अब इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद में 25 सितंबर को और इसको लेकर सारी जानकारी आप देते रहेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। चलिए देखते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि खबरें ऐसी आ रही हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रविंद्र जडेजा के ट्रेड को लेकर एक बड़ा प्रपोजल भेजा था चेन्नई सुपर किंग्स को। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में चाहते थे और ट्रेड करना चाहते थे, और बदले में ऐसी खबर आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ को दे रहे थे। हालांकि आपको हम बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस ट्रेड को रिजेक्ट कर दिया है और यह खबर निकल कर आ रहा है क्रिक बज से ही, जहां पर उन्होंने बताया है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रेड को खारिज कर दिया और वह नहीं चाहते हैं कि रविंद्र जडेजा उनकी टीम से ट्रेड हो। वैसे आपको बता दें कि अभी ट्रेड विंडो 1-2 महीने और खुला रहेगा, तो ऐसे में कुछ खिलाड़ी आपको ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और जिसकी जानकारी आपको हम सबसे पहले देंगे। वैसे आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या दिल्ली कैपिटल्स में रविंद्र जडेजा को ट्रेड होना चाहिए था या नहीं। चलिए देखते अपना पांचवा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जहां पर आपको अभी तक तो पता ही होगा कि रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच रिश्ते सही नहीं है और रविंद्र जडेजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में सारे फोटोज वगैरह डिलीट कर दिए हैं चेन्नई के, और उनके एक्टिविटीज से ऐसा लग रहा है कि उनके और चेन्नई सुपर किंग्स के रिश्ते खत्म हो चुके हैं। लेकिन सूत्रों की मानी जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ का ऐसा मानना है कि वह रविंद्र जडेजा को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उनके साथ भी 2 साल और कंटिन्यू करना चाहते हैं। आईपीएल 2022 में जब उन्हें रिटेन किया गया था तब 3 साल के लिए उन्हें रिटेन किया गया था और उस समय तक वह रविंद्र जडेजा को अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें यह पूरी तरह से निर्भर करता है रविंद्र जडेजा पर कि वह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में रहना चाहते हैं कि नहीं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि दिल्ली कैपिटल्स का ट्रेड ऑफर चेन्नई ने रिजेक्ट कर दिया है, तो यह दिखाता है कि चेन्नई रखना चाहते हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि रविंद्र जडेजा यदि नहीं रहना चाहेंगे तो वह खुद को दिसंबर में होने वाले ऑक्शन का हिस्सा बनाएंगे और चेन्नई को छोड़ सकते हैं। अब देखिए रविंद्र जडेजा क्या फैसला करते हैं। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है साउथ अफ्रीका टी20 लीग को लेकर, जिसे मिनी आईपीएल भी कहा जा रहा है। साउथ अफ्रीका टी20 लीग जनवरी के महीने में शुरू होने वाला है और एक एग्जैक्ट तारीख की मानी जाए तो 10 जनवरी को शुरू होगा और कुछ दिन पहले इसका नीलामी या तो फिर ऑक्शन भी पूरा हो गया है। पर अफसोस की बात यह है कि इस लीग को भारत में कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा है,
यानी कि कोई भी कंपनी जैसे कि सोनी हो गया या तो फिर स्टार स्पोर्ट्स इस लीग को भारत में ब्रॉडकास्ट करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें लगता है कि भारत में कोई देखने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भारतीय खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं। जबकि ताज्जुब की बात है कि इसमें जो टीम है वह सारे भारत के आईपीएल के ही हैं, जैसे कि आपको हम बता ही चुके हैं कि इसलिए इसे मिनी आईपीएल कहा जा रहा है। अक्टूबर लास्ट तक इसका डेट है, यदि उस दौरान इसे कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिलते हैं तो फिर इसे स्टार स्पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जो डील है साउथ अफ्रीका के साथ वह स्टार स्पोर्ट्स के साथ ही है और इसके लिए स्टार स्पोर्ट्स को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। वैसे क्या आप भारत में मिनी आईपीएल देखना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना सातवां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के विस्फोटक और युवा बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस ने सीपीएल में बल्लेबाजी करते हुए आखिरी के ओवर में 5 बॉल पर 5 छक्के लगाकर काफी अच्छा फिनिश किया था और 6 बॉल पर इस खिलाड़ी ने 30 रन की नॉट आउट पारी खेली। यहाँ पर आपको बता दें कि एक फिनिशर और एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के रूप में काफी अच्छा उभर रहे हैं डिवाल्ड ब्रेविस, तो यह मुंबई इंडियंस के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि यह आईपीएल 2023 से पहले अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और यह जो 5 छक्के इस खिलाड़ी ने लगाए वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। चलिए देखते हैं अपना 8वां बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है गुजरात टाइटंस की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम ने भी 2 खिलाड़ियों के ट्रेड को रिजेक्ट कर दिया। आपको बता दें कि रवि साईकिशोर और राहुल तेवतिया को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस की टीम को प्रपोजल दिया था और इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में ट्रेड करना चाहते थे। हालांकि फिलहाल में गुजरात टाइटंस ने इसे होल्ड कर दिया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वह चेन्नई सुपर किंग्स के इस प्रपोजल को कंसिडर करेंगे और कोई ना कोई खिलाड़ी इन दोनों टीमों के बीच ट्रेड होंगे ही। तो जैसे जैसे आईपीएल का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे काफी सारे न्यूज इसको लेकर आ रहे हैं, तो हम सारे आपके लिए कवर करते हैं। तो हमारे साथ आप बने रहें, इस तरह की अपडेट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।